हेलो दोस्तों, मैं शुभम चौहान मारसा पोल्ट्री फार्मिंग से। जैसा कि देख सकते हो आज पांचवा छठा दिन है। देखिए एकदम सही साइड है हमारा बर्ड ये बच्चों, और ये आसानी से पानी पी रहे इसमें देख सकते हो। मेरे को कल एक कमेंट ने बताया था कि ये पूरा बताया करो वीडियो, ये देखो ये आसानी से पी रहे, हमने कुछ भी नहीं किया है, ये देखो आराम से कितना सारा पी रहे पानी। ये फ्लूट कप भी लगे हैं यहाँ, तो अब ये नीचे करने के लिए अब वो फ्लूट कप भी लगा देंगे। वो आगे देख सकते हो फ्लूट कप लगे सलंग, वो अब वहाँ तक खोल देंगे हम आगे, वो साफ जगह दिख रही है। हम इधर लकड़ी का बुरा डाल देंगे और इधर देख सकते हो पूरा, और ये जो सामने दिख रहे हैं इनका, इनको लाने में बहुत बड़ा योगदान है इनका। और देख सकते हो आराम से पानी पी रहे, वीडियो में देख सकते हो आप आराम से पानी पी रहे हैं यहाँ से माता। आज हम जगह इससे डबल कर लेंगे, आज से ज़्यादा बढ़ा देंगे हम जगह। और ये देखो खा पी के आराम से पानी पी रहे ये सब, आराम से फिर बोल, मेरे को कमेंट में बताया था बहुत सारों ने कि इसमें पानी नहीं पीते, इसमें मोटिलिटी बहुत होती है। अभी छठा दिन है, पांचवा छठा दिन है, कम से कम 15 बच्चे मरे होंगे अभी तक, 15 बच्चे हैं। ये इसको, इसकी आंख में पता नहीं क्या हो गया, ये आंखों में पता नहीं क्या हो गया, ये खुल नहीं रही, इसकी बीमारी बताना आप कमेंट करके। दोनों आंखों में पता नहीं क्या हो गया, और सारे एकदम स्वस्थ है। हम मेडिसिन लगातार दे रहे हैं, उनको एक दिन अलग किया था और आज सही हो गए वो। मेरे को एक ने कमेंट में बताया था कि वो ज्यादा हीट, मतलब हमने इसके अंदर लकड़ी का बुरादा जलाया था और हमने इनको गर्मी के लिए किया था, क्योंकि फर्स्ट दिन लाइट नहीं थी, उसके कारण वो उनके पीछे के बाल उन जल गए थे, तो ये वो प्रॉब्लम हुई थी। और मैंने कमेंट में मतलब बहुत सारों ने पता नहीं क्या क्या बोला, सही आरडी हुई वगैरह वगैरह, पता नहीं कौन सी बीमारी बताई। आज सही साठ है, पूरे एकदम सही है, ये सब बैठे आराम से। ये देखो ऑटोमेटिक सब खा पी के मस्त हैं सब। हमने साइड की पल्लियों भी गिरा दी है, कल से गिराना शुरू किया। ये देखो क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है इसके लिए, इधर पूरा। और ये हमारे यहाँ पर शिवा भाई का बालक जो उधर साइड में काम करते थे, वहाँ इलाज ही नहीं करवाया इनका, वो उधर मुंह कर लिया, वीडियो में आना नहीं चाहते, बहुत डर लगता, पता नहीं क्या है वीडियो में। और पूरे उतार दिया है मेरे, मैं अभी उधर अंदर था तो बहुत गर्मी लग रही थी मेरे को, तो अभी और जगह और बढ़ा दे हम, वहाँ तक बढ़ाएंगे हम। वो सामने फ्लूट कप पड़ा हुआ है, ये सामने सिवा आ रहा है, ये इसके सामने फ्लूट कप, वहाँ तक बढ़ाएंगे हम, इसी व्यवस्था हम लगे अभी। पता नहीं कौन सी बीमारी है, बीमारी पता नहीं कौन सी है। ये एक दोनों आंखों से नहीं दिख रहा इसको, यहाँ पर ये एक इधर, ये दो, ये आज पता चला ही हमको, एक ये सामने पड़ा है, इधर ही तीन चार है, देखो ये दिख ही नहीं रहा इसको, दोनों आंखों से नहीं दिख रहा उसको, वो इसको भी नहीं दिख रहा था ये सामने। और ये निप्पल सिस्टम में पूरा सूखा है, तो क्या हम ये लकड़ी को बोरा दे को ऊपर नीचे कर दे क्या, आप कमेंट में बता सकते हो। ये दो चूजे दिख रहे हैं ऐसे कैसे, ये गर्दन देख लो क्या बीमारी हो सकती है इसको, वो सामने वाला बच्चा, ये
और इधर भी यही प्रॉब्लम है। ये मैंने हाथ में लिया, ये इसको पानी पिला के देखता हूँ मैं। ये भी इस प्रकार, बीमारी का नाम बता सकते हो आप? पूरा सूखा है। क्या हम लकड़ी का बुरादा ऊपर नीचे कर सकते हैं? आप बता सकते हो? ये पेपर तो हटा देंगे, आज हम पेपर हटा देंगे। एक यहाँ चलते नहीं बढ़ रहा है इनके ऊपर। मैंने एक चीज़ देखी, एक के ऊपर एक चढ़ जाता है ये रात में, तो ये उससे हो रही है, ये बीमारी उससे हो रही है। ये आँखों की कौन सी बीमारी है? और एक ये जैसा कि आप देख रहे हो कि हमने ये हेलोजन चलाया है और आराम से ये पेपर सारा हटा दिए, आज ये हेलोजन जला दिए और दो चार वो क्या वो पावर नहीं आ रहा इतना, तो ये हम ये सुबह खोलेंगे इतना, ये वहाँ तक पूरा इधर नहीं खोला हमने। और इधर देख सकते हो मेरा छोटा भाई वो दो चिक से मरे, एक उधर, और देख सकते हो निप्पल में पूरा सारे के सारे पानी पी रहे हैं निप्पल में। और हमने वापस ये साइड की पॉलिथीन चढ़ा दी और ये निप्पल नीचे है, तो अब मैं ऊपर चढ़ाऊंगा वापस।